गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब होली आने वाली है तो आज हम लोग पिचकारी को परचेज करने जा रहे हैं। और ऊपर से आज हमारे जो ड्राइवर अंकल है उन्होंने भी छुट्टी ले रखी है, तो जो मेरी मम्मा है उनकी तबीयत तो खराब है, मतलब उन्हें कुछ भारी नहीं है, मतलब जुकाम हुआ है। तो दादी के साथ में हूँ। जुकाम तो मुझे भी हो रहा है। अच्छा, तो जो आज हमारे ड्राइवर अंकल नहीं आए हैं उसके ऊपर एक बात कहती हूँ। कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन ऑटो रिक्शे में चलना जी। तो हम सब तो निकल लिए हैं सफ़र पे, और बाकी आप सब जानते ही हैं कि आप सबके प्यार सम्मान से हम लोगों ने बहुत ग्रो किया है और हम सीख रहे हैं। बाकी हम यहाँ से अच्छा पिचकारी बाय करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने एक रिक्शे पे जा रहे हैं हम। अच्छा, तो अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। हमारे यहाँ से मतलब दिल्ली के सुखदेव विहार से बाहर की चीज़ें कैसी लगती हैं, मतलब है नॉर्मल ही, जैसे कोई चिड़ियाघर थोड़ी है। वो तो मेरा घर है चिड़ियाघर, हमारा घर एक चिड़ियाघर ही है। कछुआ, बिल्ली, कुत्ते, तोते, हमारी मुनिया मर भी गई है बेचारी। खैर, हम मरने होने की बातें छोड़ते हैं। और ये देखिए, तो हम लोगों को मतलब हर फेस्टिवल मनाना चाहिए, जैसे होली, दिवाली, ईद और क्या कहते हैं क्रिसमस, सब बनाए, दशहरा, दिवाली, सब बनाइए और आराम से नवरात्रि वगैरह के मज़े लूटिए। हर धर्म का अपना फेस्टिवल होता है, और अगर हम सब धर्मों को जोड़ के जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी सबसे अच्छी बनेगी। और अगर हम यही रहेंगे कि हमारा क्रांत ये है और दूसरे क्रांत को हम नहीं बना सकते, तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको सुधरने के लिए खुद से पूछना होगा क्या कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। खिलौना रख दिया बच्चों का, उधर देखिए वहाँ पे वैन भी है। अच्छा, वहाँ से एक गली जाती है उस तरफ से, पर हम लोग, मैं आज तक वहाँ नहीं गई हूँ। वेल, बाकी मुझे क्या पता वहाँ भूत है। देखिए, ठीक है, मैं थोड़े फेस को रोशनी में ले आती हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा टेढ़ा होके आपको पीछे का व्यू दिखा रही हूँ, और जो कि ड्राइवर अंकल नहीं आए हैं, शायद वो भी सिख हैं। बाकी हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, और रिक्शा बहुत इको फ्रेंडली होता है और अच्छी चीज़ है। देखिए एक लंबा सा खंबा। तो हम पहुँचने ही वाले हैं जिस दुकान पे, यहाँ पे गोल्डन रिट्रीवर भी है। मतलब एनिमल्स तो हमारे यहाँ भर चुके हैं, और ये एक अच्छी बात है। हम जानवरों से प्यार करेंगे, जानवर हमसे प्यार करेंगे, हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जानवर कोई एलियन है जो हमसे जीत जाते हैं, हम उनसे जीत जाते हैं। मैं कछुआ बन गई, गर्दन निकाल रही हूँ। अच्छा, तो जस्ट अभी थोड़ा सा दूर है हमारा पिचकारी की दुकान, थोड़ा सा आगे चल के हमारे बेस्ट पिचकारी आएंगी अच्छी अच्छी सी। बाकी हम दोनों तो इस समय जा रहे हैं, ये देव समाज स्कूल है, और यहाँ पे क्यूट सा क्यूट सा पप्पू भी आएगा, अभी दिखाती हूँ। ये रहा, वो जो शॉप के संबंधित है वो कोई बेकरी या अंडे की दुकान नहीं थी, वो एक बहुत अच्छा सा मंदिर था। और तो देखिए ये डॉन बॉस्को स्कूल है, कॉलेज स्कूल ऑपोजिट सब है। अब हम थोड़े से अंधेरे में आ गए हैं, वैसे ही रिक्शे के उसमें मैं आपको अंधेरे में दिख रही हूँ फ्रेंड्स। बाकी हम थोड़ा सा आगे चल के ब्राइट करते हैं फेस को। तो दादी, होली में खाया क्या जाता है? होली में बनाया जाता है गुजिया, पापड़ी, बल्ले और पकवान बनाए जाते हैं।
होली में पकवान बनाए जाते हैं। बाकी मेरी फैमिली और मैं तो होली बहुत अच्छे से मनाते हैं। बाकी अब कलर से तो मैं ही खेलती हूँ, बाकी सुबह सुबह उठ के मेरे मुंह पे मेरे दोनों भाई विक्की चीकू मुँह से रंग लगा देते हैं, चाट चाट के उसे और गीला कर देते हैं, उनकी जुबान वो तो धो देते हैं, नहीं तो जहर अंदर चला जाएगा कलर्स का, वो मेरे को चाटने लगते हैं, फिर उसके बाद गीली भी हो जाती हूँ मैं, पर बहुत मज़ा आता है। There's a lot of fun in Holi. तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पौधे, मैंने टच भी करा है, देखिए सीधे पहले टच करती हूँ इस समय मैं, बहुत अजीब है पर सुंदर है। और हम लोग होली जब भी बनाई है हमने ज़िंदगी में बहुत धूमधाम से और अच्छे से बनाई है, बाकी कोरोना चल रहा था तो अपने घर पे ही दो चार रंगने वाली है, फिर नाक बिल बिल आ रही है, रेड लाइट। और इस समय यहाँ से ये गांव है जुलैना, बाकी मैं मास्क पहन के बात कर रही हूँ और ऐसे होके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्यूट सा पपी सो रहा है, अगर उठा हुआ होता तो हम उसे एडॉप्ट कर लेते, बहुत ही है देखने लायक। वेल अभी तो हम आपको वाले के जा रहे हैं जिस दुकान की मैंने अभी बात की थी आपको भरत नगर में, और हमारी पिचकारियाँ लेनी है मुझे, पिचकारी लेनी है, कलर्स लेने हैं, दो चीज़ें लेनी है मुझे होली की, बाकी चीज़ें मैंने अपने घर पे इको फ्रेंडली बनाई हुई है, परचेज कर लिया है। और अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, हाँ इयर रिंग मैं बता रही हूँ आपको, शादी को कह रही है कि बताओ कि वो साथ में बैठे हैं उन्हें, वैसे मैंने पहले ही बता दिया था। अच्छा तो होली के दिन मुझे खेलने से ज़्यादा खाने का रहता है, मतलब गुंजिया खाती हूँ मैं बहुत शौक से खाती हूँ, उसके अंदर की किशमिश को ठूसती हूँ। चला गया मेरी तो मास्क सेफ्टी रूल्स। अब मैं फ्रेंड्स आपको एक बहुत बजाकिया बात बताती हूँ, वैसे हमारे स्पेशल पिचकारी जो हम लेते हैं मेरे लिए टैंक, मुझे टैंक पिचकारी बचपन में बहुत होती है, और एक वो जो करने वाली होती है ना जिस पे पानी खींच के भरते हैं, वो मेरे को पिछले महीने में मिली थी, था क्योंकि मुझे वो पिचकारी टैंक से ज़्यादा पसंद है, उसे खींचते हैं मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पेंटिंग भी देखी है कि हैंड वॉश करके डॉक्टर कोरोना से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे एक पुराना क्लिनिक है डॉक्टर लाल पैप। अच्छा सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, पहले हम दुकान पे पहुंच जाए और वहाँ की दुकान का पूरा व्यू दिखाऊंगी, फिर हम देखेंगे कि मैंने आज क्या परचेज़ किया वहाँ से, कौन सी पिचकारी ली, क्या लिया। वो बहुत मुझे पिचकारियों का क्रेज़ रहता है होली पे, मैं होली आने से पहले ये सोचने लगती हूँ यार होली को पाएगी मुझे पिचकारी कब मिलेगी देर प्रतिदिन। अच्छा मुझे फैमिली ने ये कर रखा है कि होली के सबसे करीब आने वाले दिन के पहले मुझे मिल गए, मतलब मिलेगी, अगर कोई वो डांटेंगे भी फिर भी मैं रो धो के मना ही लेती हूँ सबको। ये आपके कुछ हाउस है, मतलब दोनों तरफ है सेम इक्वल है, बाकी हम लोग आपको
सरिता विहार, ये सारे बोर्ड पोस्टर लगे हैं, मैंने पढ़ती भी जाती हूँ। कौए भी नहीं भूखे। फोटोग्राफी की चीजों से और इन लोगों से बहुत अच्छे से बात करती है। हम लोग हमेशा को रोकना पड़ खरीदते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी दुकानें हैं और अभी हम लोग पहले मंदिर भी जा रहे हैं फ्रेंड्स, और बाकी तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो वाली दुकान है नीचे तो बेसमेंट में जाके, और उसके अंदर मोबाइल भी मिलते हैं, पर हम लोग मोबाइल को सरिता विहार से खरीदते हैं शोरूम में। वहाँ पे हम माता के मंदिर जा रहे हैं। हाँ, और अब हम लोग जा रहे हैं माता के मंदिर। फूल दिखाओ और हम माता के मंदिर जा रहे हैं, दिखाते चलो। देखो फ्रेंड्स, ये देखो दिखाते चलो। ये देखिए, ये एक गार्डन है हमारे पीछे, पहाड़ी गार्डन है। ये देखिए, ठोकर खा रहे हैं हम सब। देखिए ऑटो पड़ा हुआ है उल्टा। हम फूलों के आ रहे हैं, देखिए आगे। हाँ, ये देखिए, ये फ्लावर मार्केट कहते हैं इसे। ये फूल बाजार है हमारे यहाँ का, यहाँ से हम हमेशा से फूल लेते जा रहे हैं। ये देखिए बैलून्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ नारियल की दुकान। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फल की दुकान है। फल तो आप सब हमेशा डेली खरीदते। कितना प्यारा डॉगी। अब यहाँ से आइसक्रीम शॉप आ गई है, आइसक्रीम के ठेले क्वालिटी वॉल्स के। ये फल की दुकान। अब पुलिस स्टेशन पे मैं आपको क्या दिखाऊँ। चलो आ गए, आ गया ये हमारा मंदिर। तो अब हम चल रहे हैं फूल चढ़ाने। जय श्री देवी माता, मेरी फेवरेट काली माता आ गई। तो चलिए मंदिर। सच अ ब्यूटीफुल टेंपल। अच्छा, तो इस मंदिर को हम लोग कहते हैं माता का मंदिर। और ये मंदिर के अंदर हम चप्पल तो नहीं पहन सकते, बहुत अच्छा बड़ा सा टेंपल है ये। बट As I know it, कि मंदिर के दरवाजों में मैं बहुत खींची, तो वहाँ पे श्री देवी काली माँ है। और अब हम कर रहे हैं एंट्री मंदिर के अंदर। दादी भी चल रही है सीधी। अब हम जा रहे हैं काली माँ के दरबार के अंदर। बाकी ये मंदिर वैसे तो बहुत बड़ा है। और फ्रेंड्स, ये हम आ गए अंदर। ये हमारी काली देवी है। बहुत सालों बाद मैं इनसे मिल रही हूँ, मतलब वैसे आती रहती थी, पर इनका दरबार। ये देखिए, ये एक कांच है, इसके अंदर से सांप दिख रहा है, सांप दिख रहा है। अब देखते हैं रिधिमा आनंद ये डोरबेल बजा सकती। डोरबेल तो नहीं है ये बेल बजा तो नहीं ली, छू ही ली। लेट मी ट्राई वन अगेन। नहीं हो पाएगा, माता रानी माफ करना। तो मुझे मंदिरों के अंदर घूमना फिरना बहुत पसंद है। और यहाँ पे कुछ लिखा है महाकाल। परफॉर्म ऑन थर्सडे 10th, ये तो 2011 का है। Show you. So friends,
हाथ जोड़ लिए हैं माता रानी के, सर फूट गए हैं यार। देखिए कितनी प्यारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना सर फोड़ रही हूँ, बाकी क्या ही बताऊँ आप सभी को। देखिए मैं जमीन में बैठ गई माता की जमीन में बैठ सकती हूँ, वैसे मैं अपने घर में जमीन में लेट भी जाती हूँ। पिचकारी इसको परचेज करने। वैष्णो माता लग रही है ना। सॉरी एक ही हाथ पे लेना पड़ रहा है, एक ही हाथ में मैंने जो चना व्रत पी लिया, बाकी अब मैं ये खा के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लास्ट टाइम दिखा देती हूँ, तो ये बाकी का इलाका है, अंदर और भी कुछ होगा, अंदर बहुत कुछ है, बहुत जा चुकी हूँ। रहने दो। क्यों अभी अंदर जा रहे हैं? तो हम फाइनली अंदर जा रहे हैं। सो मैं एक फाउंटेन के पास हूँ, देखिए तो दादी तो जूता घर में अपने शूज उतारने नहीं दिए और यहाँ मैं मस्ती कर रही हूँ। तो देखो तो पार्क, ये वही पार्क है जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था, पहाड़ी वाला। अब एक पाव तो मेरा यहाँ पे चल रहा है और ये फ्लो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा चिकन जैसा लुक है। मैं आज तक नहीं खाया है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अब हम जाएंगे माता रानी के आधे दरबार में, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ उस मंदिर की। एंड फ्रेंड वहाँ से हम लोग आज के उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारी पिचकारी इसको परचेज करने। सो ये फाउंटेन है एक और वहाँ पे दादी है। सो लेट्स गो देयर। हम पहुँच आए हैं यहाँ पे, अब दादी फूलों वगैरह ले रही है जिनसे मैं अब करूँ क्या, मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ माफ़ करना नंदी देव, नंदी देव की पिक पे टच कर लिया, माफ़ करना। सो ये कुछ स्टेयर्स हैं मंदिर की, बहुत लंबी तो है ही, बट देयर नाइस। वाओ
देखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई घर है ये। फर्स्ट फ्लोर, वूहू। अच्छा मैं बचपन से यहाँ आई हूँ सो मुझे यहाँ की हर एक चीज पता है। फ्रेंड्स, दादी दादी वो वहाँ पे है और खरीद रही है, मतलब सामान ले रही है माता जी को। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इलाका है, यहाँ पे वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल मथुरा डबल रोल। मुझे मामा की तो दादी यहाँ पे लगता है रात को लाइटें जलती है। हम रात को भी आ चुके हैं यहाँ पर, इस बार कुछ अलग सा एहसास आ रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ दो लोग आए हैं, नहीं तो हम फुल फैमिली आते थे यहाँ पे। और ये हमारे पास का मंदिर है, अब हम चढ़ रहे हैं। माँ काली है, कौन सी देवी है इतना तो याद नहीं है मुझे। आइए आइए आप भी आइए, आप खुद देख लीजिए हम यहाँ है। पर दादी हम चढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों चढ़ रहे हैं बट हम चढ़ रहे हैं, मतलब हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, मेरे सर पे भी लग गया इस समय। वो ये अच्छा है, देवी माता है यहाँ। सो हम कि लास्ट फ्लोर पे आ गए, बहुत शांति है और अच्छा लग रहा है। डिट्टो मथुरा है, यहाँ पे शेषनाग के साथ विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। कुछ वायर्स हैं जिससे हम करीब ना जाए फ्रेंड्स। ओके सो ये बहुत अच्छा मंदिर है, लड्डू गोपाल है बड़े वाले, एंड यहाँ पे राम दरबार है। सो एक इंच ऊपर और हम आ गए हैं। हाँ अब आपको क्या ही बताऊँ, हम सबसे ज़्यादा ऊपर है थोड़ा। देखिए ये देवी दुर्गा हैं, ऐसा लग रहा है सबकी क्वीन वो तो है ही वो। लुक एट हर। सो यहाँ पे मैं पहले आई होंगी, मुझे याद तो है, मतलब वैसे आते हैं पर इस फ्लोर पे कुछ अलग ही लग रहा है, वैसे मैं आती रहती हूँ। अब मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ अंकल। सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पे शेर जी है, उनके लिए मैं फिलहाल लग रहा हूँ मस्त शेर जी।